महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख शहर है। वैसे तो नागपुर कई विशेषणों से पुरस्कृत है। जी हाँ, ऑरेंज सिटी, टाइगर कैपिटल, साथ ही भारत देश का दूसरे नंबर का ग्रीनेस्ट शहर भी इसे माना जाता है। यही नहीं, नागपुर को महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी भी कहते हैं। कई विशेषणों से पुरस्कृत नागपुर नगरी पर्यटकों को आकर्षित करने में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ती, और जिसमें गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का भी समावेश हो गया है। जी हाँ, और आज हम आपको गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क की सैर कराते हैं। दोस्तों, आपने काफी चिड़ियाघर जंगल देखे होंगे, क्या आप जानते हैं गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क क्यों खास है? नमस्कार, बीसीएन न्यूज में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी जानवरों को आइसक्रीम, आइस कैंडी ऐसी चीजें खाते हुए देखा है? नहीं ना, तो आज हम आपको जानवरों को आइस कैंडी खाते हुए दिखाने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा जो है नागपुर शहर के गोरेवाड़ा जू जो है वहाँ पे ये प्रयोग किया गया है। हालांकि हर साल जो है समर में ऐसा ठंडा जो है जानवरों को खिलाया जाता है, और इस साल भी वैसे ही जो धूप है, नौतपा शुरू है और गर्मी देखते हुए जो है गोरेवाड़ा जू के जो जानवर है, जो प्राणी है, उन्हें यहाँ पे कैंडी, आइस कैंडी खिलाई जा रही है। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि किस तरह से आइस कैंडी उन्हें खिलाई जाती है। चलिए मेरे साथ। आइए हम जानते हैं गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क के बारे में। आप जब भी कोई चिड़ियाघर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आप आजाद घूम रहे होंगे, लेकिन जानवर बेचारे छोटे से पिंजरे में बंद है। ऐसे जानवर देखने में मजा ही कहा। मजा तो तब है जंगल सफारी का मजा आपके शहर के बीच मिले, वो भी आप एसी कोच वाले बस में बैठे हो या फिर ग्रिल लगे बस की सफारी का मजा ले रहे हो। जी हाँ, गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क भारत का एकमात्र पार्क है जिसमें आप इंडियन सफारी, अफ्रीकन सफारी और नाइट सफारी का आनंद ले सकते हैं। यह 564 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाले सबसे बड़े जूलॉजिकल पार्कों में से एक है। गोरेवाड़ा रेस्क्यू और गोरेवाड़ा रिजर्व के साथ संयुक्त पार्क 1914 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में फैला हुआ है। दर्शकों को आनंद लेने के लिए अधिकतम कांच की खिड़कियों के साथ वातानुकूलित बसों में सफारी पर ले जाया जाएगा। सफारी में जानवरों के कोबड़े, दीमक, कीटिले, गुफाएं, प्राकृतिक दिखने वाले वाटर होल, जलाशय आदि बनाकर प्राकृतिक आवास प्रदान करने पर यहाँ विशेष ध्यान दिया गया है। सफारी के बाड़ों को डिजाइन करते समय आगंतुकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी गई है। तो हमने गोरेवाड़ा जू में देखा कि किस तरह से वो आइस कैंडी जो है भालू को दी गई थी, किस तरह से वो खा रहा था, ये सब नज़ारा जो है हमने देखा है। अब हम यहाँ के जो दीपक सावंत यहाँ के अधिकारी हैं उनसे जानते हैं कि ये जो किया गया है किस तरह से, मतलब आपके जहन में आया कि जो प्राणी है उन्हें भी, हमें जानवर है उन्हें भी गर्मी के इसमें ठंडी का एहसास दिलाने के लिए कैंडी खिलानी चाहिए, या और कुछ जो आप कर रहे हो क्या बताओगे? ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस होती है। हर साल गर्मियों में जैसे इंसानों को ठंडक की ज़रूरत होती है, वैसे हम जानवरों के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक हमारा रूटीन प्रैक्टिस होता है कि हम उनके डाइट में ज़्यादा फ्लेशी फ्रूट्स, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, जिनमें मॉइस्चर लेवल अच्छा होता है,
ऐसे फ्रूट्स का हम उसमें क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एक रेगुलर हमारी प्रैक्टिस होती है डाइटरी एनरिचमेंट, जिसमें जानवर को अपना खाना मिलने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़े, ऐसे कुछ एक्टिविटी हमें डिज़ाइन करनी होती है। तो उसी में से एक पार्ट है ये वाला, जिसको हम आइस कैंडी कहते हैं। इसको हम फ्रूट्स को आइस के साथ फ्रीज कर देते हैं, पानी में फ्रीज करके उसकी आइस कैंडी बना देते हैं। तो वो जो आइस कैंडी है उसको फिर वो पिघलने तक इंतज़ार करना पड़ता है, तो जो ठंडा पानी टपकता है या बर्फ़ मुँह में जाता है तो उससे एक ठंडक मिलती है। तो ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है और इससे जानवरों को ज़्यादा एक्टिविटी मिलती है, ज़्यादा टाइम वो एक्टिव रह पाते हैं और अपना खाना अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। बिल्कुल, ये जो हमने आज की आइस कैंडी देखी ये तो प्लेन आइस कैंडी है, लेकिन फ्लेवर में या ऐसा कुछ अलग तरीके से बनाई जाती है। और मुझे ये भी पूछना था कि जैसे हमने टाइगर देखा, टाइगर सेटिंग देखी, तो टाइगर के लिए भी ऐसी कैंडी है? हाँ, टाइगर के लिए भी हम ऐसी कैंडी करते हैं, लेकिन उसमें फ्रूट्स की बजाय हम चिकन या मटन का इस्तेमाल करते हैं। और जो भालू है उसको ये आइस कैंडी पर फ्लेवरिंग के लिए कभी कभी हम शहद या गुड़ इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी कुछ अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं। कभी कभी हम जो रेडीमेड फ्रूट जूसेस होते हैं उसका भी टॉपिंग करते हैं, तो उसके स्मेल से भालू जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इस पर। भालू तो अट्रैक्ट होता है, लेकिन बाकी के भी जानवर हमने यहाँ देखे हैं, डियर है, वाइट डियर है, कई तरीके डियर देखे हैं, तो इनके लिए भी ऐसी कुछ कैंडीज बनाई जाती है? नहीं, हिरन के लिए ऐसी कैंडी नहीं होती, पर हिरन को अपना टेम्परेचर ठंडा रखने के लिए हमने जगह जगह पर वैल्यूइंग की जगह दी हुई है। तो ये हिरन जो है ये गर्मी में कीचड़ में लेटना पसंद करते हैं, तो उनके लिए हम कुछ कुछ जगह पे पानी डाल के कीचड़ बना देते हैं, तो उसमें हिरन अपने आप को सोख के अपनी बॉडी को ठंडा रखते हैं। भारतीय सफारी में वर्तमान में यहाँ पर नीलगाय, चार चीतल, चिड़ियाघर का प्रमुख आकर्षण टाइगर सफारी है, जिसमें दो बाघ है जिनमें एक नर और एक मादा शामिल है। इसी के साथ भालू, मोर एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है और इन सब का विशेष ख्याल रखा जाता है। जी हाँ, ऐसा हम। और इसी के साथ और कोई प्रयोग जो है समर के समर को देखते हुए किए जा रहे हैं, जैसे टाइगर के लिए मांस वाली जो कैंडी है, भालू के लिए वाटरमेलन है, मस्मेलन है, ऐसी कैंडी, तो और कुछ जैसे बर्ड्स भी हमने देखे उनके लिए कुछ अलग किया जा रहा है? बर्ड्स तो हमारे वो कैप्टिव नहीं है, ये सारे वाइल्ड बर्ड्स हैं, ये तो खुद उड़ जाते हैं, जब दिन में लकी है तो आपको दिख जाते हैं। पर हमारे जो जानवर हैं वो रात को अंदर हमारे कमरे में आ जाते हैं, तो वहाँ कमरे में हम उनको कूलर की व्यवस्था करते हैं। जंगल में भी हमने कुछ पेड़ों पर फॉगर सिस्टम लगाया हुआ है, तो उससे मिस्ट तैयार होता है और वहाँ का टेम्परेचर नीचे हो जाता है, तो दोपहर के टाइम जब गर्मी पीक पर होती है तो टाइगर या जो ऐसे जानवर है जिनको गर्मी से ज़्यादा तकलीफ होती है उनको थोड़ा सुकून मिल पाता है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नागपुर की गर्मी भी अपने आप में अलग होती है। नागपुर की गर्मी में हम इंसान तो भले ही कूलर और एसी का सहारा ले लेंगे, साथ ही इस गर्मी के मौके पर आइसक्रीम, आइस कैंडी भी इंसान आमतौर पर खाते नजर आते हैं। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स का भी सहारा हम लेते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ के जानवरों के लिए गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क की ओर से खास ध्यान देते हुए आइस कैंडी का प्रयोग किया गया। गोरेवाड़ा जू में जो विजिटर्स हैं उनकी संख्या कितनी बड़ी है इस साल और कहाँ कहाँ से जो है विजिटर्स आए? गोरेवाड़ा जू की शुरुआत जनवरी 21 में हुई थी, तो उस वक्त तो कोविड का दौर चल रहा था, तो पहले 3 महीने में हमारे पास सिर्फ 35 से 40 हज़ार विजिटर्स आए थे। उसके बाद 21-22 में लगभग हमारे जू में, मतलब पिछले साल 1,10,000 के आसपास विजिटर्स थे, पर इस साल हमने ऑफिशियली 2.5 लाख के करीब विजिटर्स को कैटर किया है और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो प्रेक्षकों का बहुत ही अच्छा हमें सहकार्य मिल रहा है और बहुत अच्छे से विजिटर्स ये पार्क को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, विजिटर्स के साथ ही यहाँ पे जो भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनकी भी संख्या बढ़ रही है? हाँ, हम बहुत सारे नए जानवर ला रहे हैं। पहले फेज़ में हमने सिर्फ इंडियन सफारी के 4 कंपोनेंट शुरू किए थे, उसमें लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी, स्लॉथ बेयर सफारी और हर्बिवोर सफारी, ये 4 सफारी शुरू की थी। अभी इसका एक एक्सटेंशन हमारा बारिश के दिनों में शुरू होना एक्सपेक्टेड है, उसे हम वॉकिंग ट्रेल करते कहते हैं। इसमें 10 एनक्लोजर्स है जिसमें पाइथन, मंगूस, ऑटर,
मंकीज़ ऐसे छोटे जानवर और कुछ पक्षी रहना अपेक्षित है। तो उसमें से कुछ बर्ड्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, कुछ सांप भी हमने लाए हुए हैं, और जब ये नया कंपोनेंट शुरू होगा तो लोग यहाँ पर वो सारे जानवर भी एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ के जानवरों को आइस कैंडी खिलाई गई। जी हाँ, भालू तो बड़े ही मजे के साथ आइस कैंडी का स्वाद लेते नजर आ रहा है। आपके स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रहा है जिसमें भालू तो आइस कैंडी का बड़ा ही मजा लेते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और यही नहीं, बाघों के लिए भी यहाँ आइस कैंडी विशेष तौर पर बनाई जाती है। तो चलिए ये आइस कैंडी का प्रयोग किस तरह किया जाता है जानते हैं गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क के जनरल क्यूरेटर दीपक सावंत इनसे। तो हमने देखा कि फ़िलहाल जो है नागपुर की गर्मी तो हमें सबको पता है 48 से 49 डिग्री तक जो है टेम्परेचर चला जाता है, और इस गर्मी में जो है इंसान की हालत किस तरह से हो जाती है हमें पता है। इंसान तो भले ही अपनी रक्षा कर लेता है, कूलर है, एसी है और ठंडी चीज़ें खा लेता है, लेकिन जानवरों के लिए भी कुछ सोचा गया है गोरेवाड़ा जू की ओर से। और हमने देखा कि किस तरह से कैंडी जो है यहाँ के जो जानवर है उन्हें दी जा रही है, और साथ ही कई तरीके की समर को देखते हुए यहाँ पर जो है उनके लिए सुविधाएँ बनाई गई है। तो हमने देखा कि किस तरह से सुविधाएँ बनाई गई थी, और आज यही रुकते हैं। और आप भी इस आइस कैंडी को या भालू किस तरह से आइस कैंडी खाता है ये देखने के लिए गोरेवाड़ा का एक चक्कर ज़रूर लगाएं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।